हेलो क्लास, कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोनाउन, राइट? प्रोनाउन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन, राइट? आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन में अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है वो हम देखते हैं। हम पर्सनल प्रोनाउन को डिसाइड करने के लिए सोशल बिहेवियर के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन सेलेक्ट करते हैं, राइट? जैसे गुड एक्ट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आए तो हम लोग पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं, राइट? नोट डाउन करो। आई होप सबने नोट डाउन करा होगा। इसको हम यहां लिख देते हैं, 2 3 1, राइट? यही पे जब बैड एक्ट आए या ब्लेम हो या अक्यूज हो सेंटेंस में, तो हम हमेशा 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का बिहेवियर लेके चलते हैं, राइट? तो इसको नोट डाउन करो, तो रब करो, फिर समझाता हूं कुछ एग्जांपल के थ्रू। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, मैंने बता तो दिया कि गुड एक्ट आए, ड्यूटी आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, तो पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। लेकिन हम कैसे इसे जानेंगे, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे लिखो, ही एंड आई learning English सेकेंड। देखो, अगर मैं कहूं ही यू एंड आई हैव
have committed mistakes, right? फिर मैं कहूं यू आई एंड ही वॉज playing very well, Jellico was playing well. मैंने थ्री सेंटेंस दिए हैं, इसको एक बार सब लोग देखो. आई होप सभी ने ट्राई करा होगा, राइट? तो मैंने बताया था जब गुड एक्ट आए या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 2, 3, 1 और बैड एक्ट आए blame या accuse I to 1, 2, 3 person लेके चलते हैं, right? पहला sentence देखो. You, he and I am learning English. क्या इसमें किसी बैड एक्ट, ब्लेम या अक्यूज की बात हो रही है? नहीं, ये एक कॉमन सेंस है जिसमें कोई बैड एक्ट, ब्लेम या अक्यूज की बात नहीं हो रही है. तो यहां पहले सेकंड पर्सन आएगा. सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, राइट? फिर आएगा थर्ड पर्सन, तो ही, राइट? फिर आएगा फर्स्ट पर्सन जो कि आई होता है. मींस ये पूरी तरह से सही है, बट आने वाली हेल्पिंग वर्ब आई के अकॉर्डिंग नहीं होगा बल्कि तीनों के अकॉर्डिंग होगा. तो इज आई एम ना कहकर आर कहना सही होगा. तो क्या कहेंगे? यू, ही एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश, राइट? पहला सेंटेंस हो गया. अब सेकेंड सेंटेंस देखो. ही, यू एंड आई have committed mistakes. तो यहां committed mistake की बात हो रही है. means ये negative जा रहा है, means bad act है. तो यहां पे 1, 2, 3 का consideration लेके चलेंगे. तो पहले I आएगा, फिर आएगा second person you, फिर आएगा and, फिर आएगा थर्ड पर्सन ही. हैव कमिटेड मिस्टेक या हैव एकदम सही है, तो सेकेंड वाला भी सेंटेंस सही हो गया, राइट? अब थर्ड वाला देखो. जब थर्ड वाले की बात करेंगे तो यू, आई एंड ही वॉज प्लेइंग वेल. तो यहां भी यू, आई, ही ना करके हम कहेंगे पहले सेकेंड पर्सन यू, फिर कहेंगे थर्ड पर्सन ही, फिर लगाएंगे एंड, फिर लास्ट में
फर्स्ट पर्सन आएगा आई और वॉज में कहकर हम कहेंगे वर प्लेइंग वेल, राइट। तो मैंने थ्री सेंटेंसेस आपको दिए, आई होप अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में आपको अब कोई गलती नहीं होगी, इसको नोट डाउन करें। आई होप सभी ने नोट डाउन करा होगा। एक सेंटेंस और देखो, देखो इट इज मी एंड हिम हु ब्रोक द चेयर, राइट। अब देखो इस सेंटेंस को देखो, इसमें ब्रोक द चेयर मीन्स ये बैड एक्टिविटी है, तो यहां पे हम इट इज, यहां पे बैड एक्टिविटी है इसलिए वन टू थ्री का कंसिडरेशन लेके चलेंगे, और वन टू थ्री के अकॉर्डिंग हम पहले मी ना करके और हिम की जगह पहले तो हम देखते हैं इट, पहले ही क्लास में बताया था इट एक डमी सब्जेक्ट होता है, और इसके साथ आने वाली जो भी वर्ड होगा वो सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहां मी और हिम ना करके हम कहेंगे इट इज ही एंड आई हु ब्रोक द चेयर, राइट। पिछली क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि इट एक डमी सब्जेक्ट होता है और इसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो मी और हिम ना करके ही एंड आई कहना होगा, क्योंकि यहां पे बैड एक्टिविटी है इसलिए वन टू थ्री का कंसिडरेशन लेके चलेंगे, और यहाँ पे इट इज ही एंड आई कहना सही होगा, ना कि यहाँ पे इट इज मी एंड हिम कहना सही होगा, राइट। नोट डाउन करो। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमने अरेंजमेंट तो देख लिया, अब कभी मान लो इनके साथ कॉमन प्रोनाउन यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए सेंटेंस में कॉमन प्रोनाउन का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे ये देखते हैं। जब सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आए, सेकेंड पर्सन भी हो एंड थर्ड पर्सन भी हो, और जहां पे फर्स्ट पर्सन आ जाए तो हमेशा कॉमन प्रोनाउन आर लिखते हैं, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन ना हो, ओनली सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हो,
हम वहां पे योर का कंसिडरेशन लेके चलते हैं, और मान लीजिए किसी सेंटेंस में ना तो फर्स्ट पर्सन हो ना सेकेंड पर्सन हो, ओनली थर्ड पर्सन हो, तो वहां पे हम देयर का कंसिडरेशन लेके चलते हैं। तो ये कॉमन प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों आए तो आर का यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन अब्सेंट हो, ओनली सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, तो योर का यूज करते हैं। जबकि मान लीजिए किसी सेंटेंस में ना तो फर्स्ट पर्सन हो ना सेकेंड पर्सन हो, ओनली थर्ड पर्सन हो, तो वहां पे हम देयर का यूज करते हैं। राइट, नोट डाउन करो। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। ड्रॉप कर दूं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, he, you and I have done their work, second sentence लिखे, I, you and she have written your essays, fill him I and Sika you Sika and
मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं, अभी मैंने जो रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग इसको जचाने की कोशिश करो। आई होप सभी ने ट्राई करा होगा, राइट। पहला सेंटेंस देखते हैं, ना इसमें कोई बैड एक्टिविटी है, ना तो ब्लेम है, ना क्यूज है, तो यहाँ पे 2-3-1 का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ ही यू एंड आई की जगह लिखना होगा यू, फिर लिखेंगे थर्ड पर्सन ही एंड फर्स्ट पर्सन आई। फिर मैंने बताया जब भी फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में आए तो आने वाली कॉमन प्रोनाउन देयर ना होके आर होगा, राइट। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, एक और सेंटेंस लिख लो, सोहन एंड दे वर डूइंग आर प्रोजेक्ट। देखो सेकेंड सेंटेंस में देखो, फिर वही बात है, 2-3-1 का कंसिडरेशन लेके चलेंगे, तो लिखेंगे यू शी एंड आई। फिर फर्स्ट पर्सन आ गया तो योर ना कहके आर कहेंगे, राइट। फिर थर्ड वाला देखो, यू शिखा मोहन, यहां पे फर्स्ट पर्सन कहीं दिख रहा है क्या? फर्स्ट पर्सन दिख रहा है नहीं, तो मैंने बताया था कि पहले तो देखो 2-3-1 का कंसिडरेशन लेके चलेंगे तो यू कहना सही है, राइट। बट हमेशा मैंने बताया था कि जब भी ऐसे सेंटेंस आए पिछले क्लास में तो मैस्कुलिन को प्रायोरिटी देते हैं, तो लिखेंगे यू मोहन एंड शिखा, राइट, हैव कंप्लीटेड देयर की जगह मैंने अभी बताया जब फर्स्ट पर्सन अब्सेंट हो तो हम योर लेके चलते हैं, तो योर कहना सही होगा ना कि देयर कहना सही होगा। अब देखो फोर्थ सेंटेंस देखो, मैंने कहा सोहन एंड दे वर डूइंग आर प्रोजेक्ट, तो यहाँ क्या कहना सही होगा? देखो इसमें ना तो फर्स्ट पर्सन है ना सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या कहता है? ही शी इट और दे, राइट, ये थर्ड पर्सन में आता है, तो यहां सो और नेम, राइट। तो सोहन एंड दे वर डूइंग, और मैंने बताया कि जब फर्स्ट पर्सन आई ना हो और सेकेंड पर्सन भी अब्सेंट हो तो हमेशा देयर का यूज होता है, तो यहां सोहन एंड दे वर डूइंग आर प्रोजेक्ट नहीं होगा, यहां देयर कहना सही होगा, राइट। तो आई होप अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन आप लोग गलत नहीं करोगे, राइट, समझ में आ गया होगा तो नोट डाउन करो।
रब कर दूं। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा डिमोन्स्ट्रेटिव डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीन्स होता है पॉइंट आउट या इशारा करना। राइट, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? पहला दिस, इसी का प्लूरल दीज, फिर लिखो दैट, इसका प्लूरल दोज। अब देखो दिस किस को इंडिकेट करता है? सिंगुलर को और नियर को, जबकि दीज प्लूरल को इंडिकेट करता है और ये भी नियर के लिए यूज किया जाता है। दैट किसको यूज करते हैं? दैट सिंगुलर होता है बट फार होता है, मीन्स दूर के लिए। दोज प्लूरल होता है और ये फार के लिए यूज होता है। राइट, और इनके साथ कभी कभी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या कभी कभी कुछ भी नहीं होता है। राइट, तो दिस का यूज सिंगुलर और नियर के लिए किया जाता है, दीज का यूज प्लूरल तथा नियर के लिए किया जाता है, जबकि दैट का यूज सिंगुलर और फार के लिए यूज किया जाता है, दोज का यूज प्लूरल और फार के लिए यूज किया जाता है। राइट, दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। राइट, नोट डाउन करो। जैसे मैं कहूं This is my pen. फिर मैं कहूं that is my car. तो जैसे this is my pen मैं कहना चाहूं तो this is my pen means ये मेरे पास है और मैं इसको indicate कर रहा हूं, point out कर रहा हूं कि ये मेरे पास है और ये मैं दिखा सकता हूं। तो ये दिस का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए और पास के लिए होता है, जबकि जब मैं कहूं कि दैट इज माय कार मींस मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं दूर की चीज के लिए कि वहां कोई कार है जो मेरी है, और जब मैं दूर की बात करूंगा तो दैट का यूज करूंगा। फिर उसी तरीके देखिए, जब मैं बात करूं कि दीज आर माय मार्कर, तो देखिए दीज आर माय मार्कर मीन्स मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो मार्कर्स हैं वो मेरे हैं और ये नियर में पास में है, इसलिए मैं दीज बोल रहा हूँ। यही अगर दूर रखा होता और मैं इस तरीके से इंडिकेट करता कि दोज आर माय मार्कर मीन्स यहाँ पे प्लूरल यूज किया जा रहा है बट फार के लिए यूज किया जा रहा है,
डिफरेंस समझ में आ गया होगा राइट, तो नोट डाउन करो। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो अभी जो मैंने बताया वो तो आई होप सभी ने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा राइट, लेकिन हमारे कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है जब कभी नाउन वन और नाउन टू आए और दिस और दैट आए तो हमेशा एक चीज याद रखना कि दिस हमेशा पास वाले के लिए यूज होता है जबकि दैट हमेशा दूर वाले के लिए यूज होता है राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अमन हैज अ वॉच एंड अ बाइक यू टेक दिस and I take that। तो देखो जब मैंने कहा अमन हैज अ वॉच एंड अ बाइक यू टेक दिस एंड आई टेक दैट, तो आप कैसे यहां समझोगे कि मैंने वॉच ली या आपने यू टेक दिस एंड आपने वॉच ली या मैंने बाइक ली या आपने बाइक ली। तो हमेशा याद रखो जब ऐसे दो नाउन आए तो हमेशा दिस पास वाले के लिए यूज होता है और दैट हमेशा फार वाले के लिए यूज होता है। तो दिस दिस का यूज पास वाले के लिए होगा और जबकि दैट का यूज फार वाले के लिए यूज होगा राइट। तो दिस नियर के लिए यूज करते हैं और दैट हमेशा फार के लिए यूज करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि ये पूछा जाएगा दिस इज माय बुक, दीज आर माय बुक्स, दोज आर माय बुक्स, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बल्कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोट डाउन करो फिर मैं एक एग्जाम का क्वेश्चन कराता हूं राइट। नोट डाउन करो, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। रब कर दूं, देखो एग्जाम में पूछा गया कि पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड connected we have to eradicate these two control That, right? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ट्राई करो सही करने का। आई होप सबने ट्राई करा होगा राइट। तो देखो मैंने कहा दिस का यूज नियर वाले के लिए होता है, तो नियर वाला पॉपुलेशन है और
दैट का यूज फॉर वाले के लिए होता है, तो फॉर प्रायोरिटी है, पावर्टी है, तो क्या जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग ये सही है? दिस इसके लिए लगा है, दैट इसके लिए लगा है, कैसा है क्या? नहीं, देखो मीनिंग को समझने की कोशिश करो। पावर्टी मीन्स गरीबी एंड पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या आर कनेक्टेड, वी दोनों जुड़े हुए हैं। वी हैव टू इरेडिकेट, इरेडिकेट मीन्स होता है जड़ से खत्म करना, तो क्या दिस पॉपुलेशन के लिए होगा? तो पॉपुलेशन को जड़ से खत्म करना मुमकिन है? नहीं। तो या तो हम यहां पे दिस वहां पे करें या दैट यहां पे करें, इसके बजाय हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर कनेक्टेड, तो हमारा इक्वेशन सही हो जाएगा। या हम यहां पे दिस से दैट को भी चेंज कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली हमको यही चेंज करना पड़ता। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे दिस एंड दैट का यूज। दिस हमेशा नियर वाले के लिए और दैट हमेशा फार के लिए यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।